दोस्तों आज जो रेसिपी मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो है बिल्कुल ही आसान, बनाने में भी आसान है और खाने में भी आसान है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रेसिपी है वो बहुत ही ज्यादा लजीज है, टेस्टी है, बनाने में आसान है और बहुत ही कम सामग्री में ये तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इस रेसिपी का नाम है सूजी के लड्डू। क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी? जब आप इसकी रेसिपी सुनेंगे तो आपका मन करेगा कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसे तैयार कर लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी को बनाने में कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए। 250 ग्राम सूजी, 250 ग्राम पिसी हुई शक्कर, 150 ग्राम घी, 30 ग्राम काजू, 30 ग्राम किशमिश, 5 ग्राम इलायची दाने, थोड़ा सा नारियल का बूरा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने की विधि। सूजी को हल्का भूरा होने तक भून लें। इसमें शक्कर व इलायची दाने मिलाकर आग से उतार लें। कड़ाही में थोड़ा सा घी गरम करके काजू व किशमिश को गुलाबी होने तक भून लें। इन्हें सूजी व शक्कर के मिश्रण में मिलाएं। बचे हुए घी को गर्म करके सूजी के मिश्रण में मिलाएं। इस मिश्रण से लड्डू बनाएं। नारियल के बूरे में लपेट कर सर्व करें। तो दोस्तों है ना ये आसान रेसिपी? आपने देखा ये कितनी जल्दी बन गई? जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार है। और अगर आपको ये रेसिपी बनानी है, कोई त्योहार आ रही है या फिर आपको बनाना है कोई डेजर्ट, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी रेसिपी जिनमें सामग्री भी कम लगे और समय भी कम लगे, ये रेसिपी मैं आपके पास लाती रहूंगी अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसी ही रेसिपी आप आगे भी मुझसे चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप ऐसी रेसिपी चाहते हो या नहीं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय।